अभी हाल ही में केस हुआ था जिसे हमने नाम दिया था कि खून कैसे हुआ पता नहीं। अब आप लोग बोलोगे कि अगर सीआईडी को ही पता नहीं कि खून कैसे हुआ तो बाकी के लोगों की तो बात ही मत पूछो। मगर ऐसा हुआ कि एक हस्बैंड कहीं से घर वापस आ गया। रात का टाइम था, नहा धो के फ्रेश हो रहा था फिर से बाहर जाने के लिए। बाहर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, मगर वो छुप छुप के किसी से फोन पे बात कर रही थी। अचानक पति बाहर आ गया, पत्नी ने अपना फोन छुपा दिया। पति ने देखा घर कुछ ज्यादा ही सजाया हुआ है, वो अचरज में पड़ गया। हम लोग तो आज खाना खाने के लिए बाहर जाने वाले थे, यहां तो घर में ही इंतजाम हुआ रखा है। उसने पत्नी से पूछा तो वो बोली बड़े प्यार से कि बस ऐसे ही सस्पेंस है, बस यहीं पे मार खा गया वो बेचारा। अगर यहीं पे सावधान हो जाता तो आज वो जिंदा होता, यहीं पे अगर उसे शक हो जाता तो ना वो खीर खाता जो वहां टेबल पे पड़ी थी, ना वो अपने पत्नी के साथ डांस करता और ना ही वो अचानक जमीन पे गिर जाता। डांस करते करते वो गिर गया तो लगा शायद हार्ट अटैक आया होगा, मगर नहीं, ठीक से देखने के बाद पता चला कि हार्ट अटैक नहीं था। अगर हार्ट अटैक होता तो सर में से खून कैसे निकलता, तो सोचा कि गोली लगी होगी, मगर गोली चलने की आवाज ही नहीं और उसकी पत्नी है कि कुछ बोले ही नहीं। हमने खिड़की से बाहर देखा तो सामने एक नई बिल्डिंग बन रही थी, तो हमने सोचा शायद वहां से गोली चलाई होगी। वहां जाके देखा हमने जमीन पर एक और। खैर मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप खुद ही देख लीजिए हम क्यों बोल रहे हैं कि खून कैसे हुआ पता नहीं, खिड़की के सामने डांस किया क्यों, पत्नी ने फोन पर बात की क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। सॉरी, तुमने अभी तक बताया नहीं मेरे को, आज इस घर में खुशियां बिखेरी जा रही। हम दोनों साथ हैं, इससे बढ़कर कोई खुशी हो सकती है? अभी इतना सस्पेंस क्रिएट मत करो, बरसात के इस मौसम में ये ठीक नहीं, रोमांस होना चाहिए। और तुम? चलो तुम यहाँ से जाओ, ऐसा करो जाओ कपड़े बदल के आओ। ठीक है, मैंने कहा कपड़े बदल के आओ, जाओ। मगर वेरी गुड, गो गो। तुम्हें लाख बार बोला है कि सुजीत घर पे हो तो प्लीज फोन मत किया करो। डार्लिंग, मैं तैयार हूं। सुजीत आ रहे, मैं बाद में बात करती हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? नहीं, किसी का भी नहीं। तो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नहीं घबराई भी कहूं। एक मिनट, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं ना? तुम भी ना बकवास नहीं करो, ऐसा करो जाओ टेबल पे बैठो। अरे बनाया क्या? मैंने बोला ना तुम जाओ टेबल पे बैठो, मैं आ रही हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा खीर खाने का मिजाज? मुझे नहीं पता होगा, तो क्या पड़ोसी की बीवी को पता होगा? हो सकता है। क्या? तुम ना? मैं मजाक कर रहा हूँ, चखने तो दो। हाँ।
फोन क्यों काट दिया? मेरे सामने फोन लेना नहीं क्या तुम्हें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो रॉन्ग नंबर था, सुबह से परेशान कर रहे हैं। मैं म्यूजिक चलाती हूँ। Will you dance with me? Yeah, sure. कह रही थी कि आप लोग डांस कर रहे थे। हाँ। तो फिर इन्हें सिर पे चोट कैसे लग गई? पता नहीं कैसे लग गई। यहाँ घर में कोई और था? नहीं, बस हम दोनों ही थे। देखिए, मुझे लगता है ये खून का मामला है, इसलिए जो भी जवाब दीजिए जरा सोच समझ के दीजिएगा। घर में कोई था नहीं, इनके सिर में अचानक चोट लग गई, कैसे हो गया ये सब? अगर ऐसा ही हुआ, ये अचानक से गिर पड़े। अभिजीत, चोट नहीं लगी है, गोली लगी है। गोली? ये गोली किसने चलाई? शायद कोई पहले से घर में छुप के बैठा होगा। निशाना काफी अच्छा है खूनी का, सिर के एकदम बीचों बीच लगी है गोली। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कोई गोली की आवाज तक नहीं सुनी। लेकिन मैडम, गोली तो चली है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। तो हो सकता है कि गन में साइलेंसर लगा। अच्छा, यहाँ घर में कोई गन वगैरह है? गन वगैरह क्यों होगी, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गोली चली कहाँ से? एक बात बताइए, जब ये चिल्ला के नीचे गिरे उस वक्त आप लोग कहाँ थे? एग्जैक्टली कहाँ खड़े थे? यहाँ खड़ी थी और वो वहां खड़े थे, उनकी पीठ बालकनी की तरफ थी। यहाँ खड़े थे वो और पीठ इस तरफ थी। और ये खिड़की खुली थी? यहाँ तो कोई जगह है नहीं। वो देखा, गोली वहां से चली होगी। हाँ जी, यही हुआ होगा। देखिए राखी जी, ऐसा लगता है कि गोली शायद सामने वाली बिल्डिंग से चली है, मतलब कोई आदमी वहां पे खड़ा था जो आप लोगों को लगातार देख रहा था, आप पे निगाह रखे हुए थे, जैसे उसे मौका मिला उसने गोली चला दी। और इतनी दूर से गोली चलाई है तो कोई प्रोफेशनल शूटर ही होगा। तुम जरा यहीं रुको, है ना, तब तक हम लोग सामने वाली बिल्डिंग में होके आते हैं। ताशा, रेडी। खून काफी सोच साझ कर किया गया अभिजीत, होमवर्क बहुत अच्छी तरह से किया है इस खूनी ने। पहले तो उसने ये बिल्डिंग ढूंढी होगी। बिल्डिंग ढूंढी दया, उसे ये मालूम था कि सुजीत कब कब कमरे में आता है और इतनी दूर से उसने निशाना मारा। आसान काम नहीं है, पता नहीं चल रहा है उसने किस गन से गोली चलाई है। टेलीस्कोप लगा होगा उस पे जरूर। अरे लाश, एक और लाश। फोटो सर, माय गॉड, काफी खून गिरा है। सर, अगर इसने सुजीत को मार दिया तो फिर
तो फिर इसे किसने मारा? देखो, हमें ये पता नहीं है कि इसने सुजीत को मारा है या नहीं, लेकिन सुजीत का और इसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। काम करो, आसपास देखो जरा, कुछ दिखता है क्या? जिस तरीके की चोट लगी इसे दया, ऐसा लगता है इसे ऊपर से फेंका गया है। सिद्धार्थ नाम है इसका। सिद्धार्थ? कहीं ऐसी की बिल्डिंग तो नहीं? एक जूता? सर, ये जूता मिला है सर, शायद इसी का होगा। एक ही जूता मिला? हाँ सर, एक ही मिला सर। सर, ये देखिए, कांच के टुकड़े। कांच के इतने सारे टुकड़े? यहाँ पे तो कोई खिड़की वगैरह भी नहीं, तो ये टुकड़े आए कहाँ से? किसी कार का विंडस्क्रीन टूटा लग रहा है। मतलब सर, यहाँ पे कोई कार खड़ी थी सर। कार खड़ी थी फ्रेडी, तभी तो कांच टूटा है। और कार अगर यहाँ खड़ी थी तो ये क्या है? दया, इंजन ऑयल? इंजन ऑयल? मतलब यहाँ जरूर कोई कार खड़ी थी। जैसे ही सिद्धार्थ ऊपर से कार की छत पे गिरा, शीशा टूट गया कार का और ये इंजन ऑयल जमीन पे फैल गया। यही हुआ है दया, यही हुआ है। ताशा, ये एविडेंस बैग में कांच के टुकड़े इकट्ठे कर लो। यस सर। ओके दया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सुजीत को और इस आदमी सिद्धार्थ को एक ही आदमी ने मारा? अगर ऐसा है तो जिस आदमी ने सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे फेंका, हो सकता है उसी आदमी ने गोली चलाई, हो सकता है। हमको ऊपर चल के देखना चाहिए था। काशा? Yes, sir. जरा रागनी को बुला के ला, देखें वो सिद्धार्थ को पहचानती है कि नहीं। Yes, sir. और फ्रेडी, सिद्धार्थ के वॉलेट से उसका एड्रेस ढूंढो और उसके घर वालों को खबर कर दो। Yes, sir. आ जाता है। मुझे तो इसे देखते हुए भी डर लग रहा है। फिर भी एक बार देख लीजिए, आप पहचानती हैं इसे? नहीं, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा है। मैडम, ये भी तो हो सकता है कि आपके पति इसे जानते हो। नहीं नहीं, अगर उसे जानते तो मुझे जरूर पता होता, आपने इसे कभी नहीं देखा है। आप? अभिजीत। हाँ दे? ये देखो, गोली का शेल मिला है यहाँ पे। ओके। जीत को गोली यही से मारी है और वो घर भी यहाँ से एकदम साफ दिख रहा है। करेक्ट, यहीं पे खून हुआ था। ये देखो, ये सिद्धार्थ का एक जूता यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ से गिरते समय यहीं रह गया होगा। वॉच वो भी टूटी हुई है, मतलब काफी हाथापाई हुई है उन दोनों के बीच में। लड़ाई हुई सिद्धार्थ और खूनी के बीच में और बिना बात के बेचारा सुजीत मारा गया।
मतलब खूनी सिद्धार्थ को मारना चाहता था, मगर सिद्धार्थ अपने आप को बचाने के चक्कर में यहाँ से नीचे गिर गया और गोली जाकर लगी वहाँ सुजीत को। यही हुआ होगा दया, क्योंकि रागिनी का कहना था कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। आइए आइए सर। सर ये किरण जी है, सिद्धार्थ की बहन, पर सर ना तो ये सुजीत को जानती है और ना ही रागिनी को। जिस किसी ने भी मेरे भाई को मारा है ना, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। हम बहुत ही जल्द ढूंढ निकालेंगे आपके भाई के खूनी को। आपको किसी पे शक है, कोई दुश्मन सिद्धार्थ का? नहीं, भाई का तो कोई दुश्मन नहीं था। अच्छा, आपने सिद्धार्थ के मुंह से कभी सुजीत या रागिनी का नाम सुना है? मैंने कहा ना, हमारी उन दोनों से दूर दूर तक कोई जान पहचान नहीं थी। ये बताइए कि आपने आखिरी बार कब देखा सिद्धार्थ को? 2 घंटा पहले, जब वो घर से निकला था। कहाँ गया वो? किससे मिलने वाला था, कुछ बताया उसने आपको? नहीं, कह रहा था किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है, आप अभी जाइए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। रेडी, इनको छोड़ा चलिए। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें उस कार को ढूंढना चाहिए जिसके शीशे और इंजन ऑयल हमें नीचे पड़े मिले थे। मुझे लगता है कि वो कार खूनी की है। ऐसे कोई कार है जिसका आगे का शीशा टूटा हुआ हो? सुनो भाई साहब, आपके यहाँ पे ऐसी कोई कार आई है क्या जिसका सामने का कांच टूटा हुआ हो और छत पिचकी हुई हो? नहीं मालूम। तरफ तो चेक किया, उधर तो नहीं है। आप भी कह रहे थे, ये भी देख लेते हैं। नहीं भाई साहब। भाई मेरे पास बाहर भेजने के लिए लड़का नहीं है, गाड़ी को इधर ही ले आइए। कौन सी गाड़ी? अरे आपकी गाड़ी और कौन सी? एक मिनट। अरे बोला ना, मेरे पास टाइम नहीं है, गाड़ी को टो करके ले आइए। पहले बात तो सुनो। ये देखो सीआईडी सर। इतनी देर क्यों लगाई साहब, पहले ही बोल देते। आपकी गाड़ी तो पोकट में ठीक कर देंगे साहब। कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है ठीक करने के लिए, हम एक कार ढूंढ रहे हैं। परसों एक कार आई थी चोरी की, मैंने भगा दिया कार, इधर घुसने का नहीं। हाँ देखो, तो चोरी की गाड़ी नहीं समझे? मैं समझा नहीं साहब। देखो, आपके यहाँ पे ऐसी कोई कार आई है क्या जिसका सामने का शीशा टूटा हुआ हो और छत पिचकी हुई हो? छत पिचकी हुई साहब, कहीं वो देखिए, वो तो नहीं। कार तो यही लग रही है सर। छत भी पिचकी हुई है। ये कार यहाँ कब आई? कल रात। कल रात? जी, अच्छा यही कार है। इस कार का नंबर नोट करो, आरटीओ से पता करो कि यह कार किसकी। यस सर। एक्सक्यूज मी, कि कौन है आप लोग और अंदर ऐसे कैसे आ सकते हैं आप? माया जी, वो अब माया मैम सब घर में नहीं है। तुम कौन हो? मैं उनके यहाँ खाना बनाती हूँ। अच्छा, दे देख लो सर। ये आप अंदर नहीं जा सकते। आप, मैंने आपको कहा ना, माया मैम सब नहीं है घर में। क्या आप? नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं है, मगर किचन अंदर ठंडी है, यहाँ खाना वाना तो कुछ बन नहीं रहा। वो मैं अभी अभी आई हूँ ना, तो शुरू नहीं किया इसलिए। अरे माया,
तेरा दरवाजा खुला देखा तो, तो आप माया जी हैं। अच्छा आप कौन? मैं इनकी पड़ोसन, पर आप लोग कौन? माया क्या हुआ? कुछ नहीं। क्यों मारा सिद्धार्थ को? सिद्धार्थ मर गया? हाँ मर गया, लाश मिली है उसकी हमें। लाश? हाँ। जल्दी से ले जाओ इन्हें, बेहोश हो जाए। चलिए मैंने सिद्धार्थ को नहीं मारा। तुमने ही मारा है उसे। मैं जहाँ में लाश मिली वहाँ एक कार थी, और जैसे ही खून हुआ सिद्धार्थ का, वो कार वहां से भाग गई, और उस कार के साथ भागी एक लड़की। उस लड़की का नाम है माया। मैंने सिद्धार्थ को नहीं मारा। तुम थी ना वहां पर जब सिद्धार्थ का खून हुआ? तो फिर बताओ क्यों मारा उसे? मैंने सिद्धार्थ को नहीं मारा, प्लीज प्लीज मी, वो मेरा मंगेतर था, मैं क्यों मारूंगी उसे? कैसे मौत हुई सिद्धार्थ की है? नहीं मालूम। ये रोना धोना बंद करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तुम वहां पर थी और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ मालूम नहीं। नहीं, शादी होने वाली थी। इससे कुछ लेना देना नहीं है हमको, समझे? हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि वहां एक खून हुआ है, बस। देखिए मैं मानती थी मैं वहां गई थी सिद्धार्थ से मिलने, लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो सिद्धार्थ ने मुझसे कहा कि उसे कुछ काम बाकी है, थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो नीचे जाके गाड़ी में इंतजार करो। मैं गाड़ी में बैठने जा ही रही थी कि तभी तो फिर आपने किसी को बुलाया क्यों नहीं मदद के लिए? पुलिस के पास क्यों नहीं गया? मैं बहुत बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अच्छा आपने वहां किसी और को देखा था सिद्धार्थ के साथ? नहीं। कोई तो होगा जिसने धक्का दिया उसे, हां? मैंने किसी को नहीं देखा। सिद्धार्थ का कोई दुश्मन था जो उसे मारना चाहता था? मुझे नहीं मालूम। सर ये माया झूठ बोल रही है कि सिद्धार्थ का कोई दुश्मन नहीं है, उसके दुश्मनों की तो लाइन लगी पड़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि माया को मालूम ना हो सिद्धार्थ से शादी होने वाली थी उसकी, तो कुछ ना कुछ तो भनक लगी होगी उसे। सर ये माया ने झूठ क्यों बोला? और जबकि सिद्धार्थ की मौत हो चुकी है तब भी? हाँ तब भी, अगर वो सच बोलती तो हम खूनी तक पहुंच सकते थे। सर अभी पिछले हफ्ते ही उसकी अमर नाम के किसी बिल्डर के साथ जबरदस्त झगड़ा हुआ था सर, और इसके बारे में हमें माया ने कुछ नहीं बताया था। सर यहीं पे गड़बड़ है सर। क्या गड़बड़ हो सकती है? लगता है फिर से दौरा पड़ गया। तुम दोनों ने इसे कुछ खिलाया तो नहीं? अरे नहीं सर, हम लोग तो अभी अभी बाहर से आ रहे हैं। तो फिर भैया छुपने की जगह ढूंढो, तूफान आ रहा है। सर अभी अभी जो बात पता चली है माया के बारे में, उसे सुनकर आपको धक्का लगेगा सर। तुम्हें लगा? धक्का? सर मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गई। तो फिर तुम हंस क्यों रहे हो? अरे यार इतनी जोर से धक्का लगा इसे। फ्रेडी बात क्या है? सर ये जो माया है ना, माया अमर की सेक्रेटरी है। अमर की सेक्रेटरी? वही अमर जिसका झगड़ा हुआ था सिद्धार्थ के साथ? यस सर। माया सिद्धार्थ के साथ शादी करने वाली थी, सिद्धार्थ का झगड़ा था अमर के साथ, और माया अमर की सेक्रेटरी है? नहीं नहीं नहीं, और ये बात सिद्धार्थ को मालूम नहीं थी? सर ये सारा का सारा मामला इस अमर का है, अमर से मिलते हैं। Hey, music is there? Excuse me.
आप लोग अंदर कैसे आए? वॉचमैन! अरे वॉचमैन को बाद में बुलाना, पहले कपड़े तो पहनाओ इसे। मेरे घर में खड़े रहकर मुझसे कह रहे हो मुझे क्या करना है? कौन हो आप लोग? सीआईडी? हाँ सीआईडी। सिद्धार्थ की मौत का जश्न मना रहे क्यों? सिद्धार्थ मर गया? इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है, वो मरा नहीं है, तुमने खून किया उसका। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? भला उसे मैं क्यों मारूंगा? सिद्धार्थ के मरने से तुम्हारा फायदा ही फायदा है ना? कल रात तुम कहां थे? मैं कल रात दिल्ली गया था। दिल्ली गए थे आप? हाँ, एक टेंडर भरा था और उसी टेंडर के पास होने की खुशी में हम लोग यहाँ जश्न मना रहे थे। अभी आप लोगों को यकीन नहीं आता तो मैं आपको टिकट लाकर दिखाता हूँ। इसे अभी दिखाता हूँ। वर्षा क्या है? दरवाजा खोलो प्लीज। मैंने कहा ना अमर, जब तक तुम्हारे वो फालतू दोस्त नहीं चले जाते मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। वर्षा ट्राई टू अंडरस्टैंड, घर में सीआईडी आई है। क्या? हाँ। सीआईडी? सीआईडी यहाँ क्या कर रही है? वो क्या है भाभी जी, आपके पति ने एक खून किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बिना पिए वो एक मच्छर भी नहीं मार सकते, आदमी कैसे मारेंगे? ये देखिए सर, दिल्ली के फ्लाइट का बोर्डिंग पास। अब तो यकीन आ गया मैं कल रात दिल्ली में। चलो माना कि तुम दिल्ली में ही थे, पर ये भी तो हो सकता है कि तुमने किसी को कहा सिद्धार्थ का खून करने के लिए। हा? किसे दिए थे पैसे तुमने? किसे दिए थे या इसे दिए थे पैसे? नहीं नहीं सर, मैं किसी का खून नहीं किया। अमर, माया का और तुम्हारा रिश्ता कैसा है? माया, नाम तो सुना होगा तुमने माया का। माया? हाँ माया। कौन कौन माया? सर लगता है इन्हें भूलने की बीमारी है। माया आपके सेक्रेटरी का नाम है। अच्छा, उस माया की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ उसी माया की बात कर रहे हैं जिसकी शादी सिद्धार्थ से होने वाली थी। सिद्धार्थ और माया की शादी होने वाली थी? मुझे तो पता भी नहीं था। और अगर मुझे पता होता भी तो उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? माया का नाम सुनते ही तुम्हारे पैर क्यों कांप रहे हैं अमर? मेरे पैर कहाँ कांप रहे हैं? क्या कह रही हो तुम? अमर तुम्हारे पास कोई गन है? गन? गन है? है, गन है। चलो ले आओ। गन लेके आना। एक्सक्यूज मी सर, ये सिद्धार्थ का खून क्या गोली मारकर किया गया था? नहीं, उसे बिल्डिंग से नीचे धकेला गया था। तो फिर आप लोग गन क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जब सिद्धार्थ का खून हो रहा था तब एक बेगुना मारा गया गोली से। ये लीजिए। थैंक यू सर। सुजीत की लाश में से जो गोली निकली है वो मैंने माइक्रोस्कोप में रख दी है सर। गुड तारिका, ये गोली अमर ने चलाई है या नहीं ये अभी पता चल जाएगा। तारिका? यस सर। बैरल चेक करो एक बार। जी। पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल ठीक है सर। सिलिकॉन है उसमें। डेंसिटी 200% लिक्विड। ओके सर। ठीक, आगे देखो। तीसरा भी ठीक है सर। गुड, अब हट जाओ वहां से। तारिका मैं फायर कर रहा हूं, रेडी? हाथ मत लगाओ, बुलेट गरम है। जी सर। ये
तारिका मैच करके देखो, सुजीत की लाश में से जो गोली निकली है उससे। आओ सर, चलो। सर, गोली अमर ने चलाई है या नहीं? पता नहीं। अरे अमर की गन दी थी तुम्हें, क्या क्या उसका? मैच करके देख रहे भाई। ये तो आप लोग कोई ना कोई चक्कर चला के मुझे फंसा के ही छोड़ेंगे। क्यों भाई, मैं तुझे क्यों फंसाऊंगा? मेरा तेरा लेना देना क्या है? आप भी तो इन सीआईडी वालों के साथ मिले हुए हैं, ये लोग जैसा जैसा कहेंगे आप वैसा ही तो करेंगे। ये मेरे कोई जीजा साले नहीं है, समझे? मेरी तो शादी भी नहीं हुई। आपकी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हे 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 मिस्टर अमर, ये क्या कह दिया आपने? डॉक्टर साहब को एक बार गाली दे दो ये बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन शादी ना होने की बात कह के आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली भाई। सर, मैच हो गया। मैच हो गया? देखा? मैच हो गया। मिस्टर अमर, सुजीत तुम्हारे गन में से निकली हुई गोली से ही मरा, गोली तुम्हारे गन से ही चली है। ये तो मैं जानता ही था, मुझे मालूम था कोई ना कोई चक्कर चला के आप लोग मुझे फंसा के ही छोड़ेंगे। एक मिनट, गन किसकी है? मेरी है। गोली कहां से आई? गन में से। कौन से गन में से? मेरी गन में से। तो किसने किया खून? देखिए बात, खून किसने किया? खून मैंने नहीं किया है, मैं तो उस वक्त दिल्ली में था। आप लोगों को दिल्ली का टिकट भी दिखा चुका हूं मैं, है ना? हाँ। दिल्ली जाने से पहले तुमने अपनी गन किसी को दी, उसे पैसे भी दिए और कहा कि खून कर रहे, है ना? ऐसा ही हुआ ना? हाँ? मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैंने किसी को नहीं मारा। किसको दी थी गन खून करने के लिए? किसी को नहीं दी सर। सर जरा आप ही सोचिए, अगर मुझे किसी का खून करवाना ही था तो फिर मैं अपनी ही गन क्यों देता? हाँ, तो फिर और कौन है तुम्हारे घर में जो तुम्हारी गन को हाथ लगा सकता है? कोई भी नहीं है, घर में सिर्फ दो ही लोग हैं, मैं और मेरी वाइफ वर्षा। सर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है सर, एक पति ने अपनी पत्नी को ही फंसा दिया कि ये अमर खुद को बचाने के लिए अपनी बीवी को फंसा रहा है। कोई आदमी इतना नीच हो सकता है? अपनी वाइफ को ही फंसा दिया, अब मैं अपनी वाइफ को कभी फंसने नहीं दूंगा, मैं फंस जाऊंगा। अरे भैया आता हूँ, रुको जरा। जी कहिए, अमर साहब तो घर पे नहीं है। तो फिर वर्षा को बुला जल्दी। मेम साहब भी नहीं है। नहीं है? सर घर चेक करो, देखो कहा चुप कर बैठी है क्या? अरे साहब मैंने कहा ना वो लोग घर पे नहीं है। हाँ देखते नहीं सर, अंदर तो कोई नहीं, गायब है वो। कहाँ गई है वो? साहब पता नहीं, वो लोग बता के थोड़ी जाते हैं। बड़ा वफादार नौकर है सर, चोंच नहीं खोलेगा। कहाँ गई है? साहब मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, पर हाँ कल रात को उनको एक फोन आया था मोबाइल पर, बस तभी से कहीं चली गई हैं। किसका फोन था? साहब पता नहीं साहब। कितने बजे आया था फोन? कुछ 10:30 बजे। 10:30 बजे अकेली गई है या साथ में कोई और भी गया? नहीं साहब अकेले ही गई है, हमने कहा भी कि हम साथ में चलते हैं मगर नहीं, उन्होंने मना कर दिया। सर नंबर देना उनका। जी 11 77 290 21 21। क्या हुआ था? दाल में कुछ काला है सर, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। मोबाइल कंपनी से पता करो इस वर्षा का फोन इस वक्त है कहां पर। यस सर।
आपके मोबाइल कंपनी वालों ने यही बताया? वर्षा का फोन कल रात से यहाँ पे बताया था यही था। मतलब वर्षा यहीं कहीं होनी चाहिए। मैं तो बिल्डिंग बन रही है, वर्षा कल रात से यहाँ क्या कर रही है? वही तो, रात में यहाँ वॉचमैन के अलावा कौन होता होगा? अरे आप लोग यहाँ? सिद्धार्थ के कातिल का कुछ पता चला? जी नहीं, तलाश जारी है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम। काम? हाँ, अमर जी की इस बिल्डिंग का काम मैं ही संभाल रही हूँ। ओहो, ये बिल्डिंग अमर जी की है? हाँ। अब समझ में आया कल रात से वर्षा यहाँ क्या कर रही है। वर्षा यहाँ पे है? जी हाँ, कल रात से वर्षा यहीं पे है। कल रात से यहाँ पे? लेकिन मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, अब वो कल रात को क्यों आई होगी यहाँ? ये पता करना चाहते हैं हम लोग, किस वजह से वो यहाँ पर है कल रात से। अच्छा, आप में से किसी ने देखा? मैंने देखा साहब। आपने देखा? जी। क्या देखा? वर्षा यहाँ थी? जी साहब। कल आई थी रात में? ये तो मालूम नहीं साहब। अच्छा, दिन में अकेली आती थी या अमर के साथ? ना तो अकेली और ना अमर साहब के साथ। अच्छा, फिर? सर कोई और भी आता उनसे मिलने के लिए। कौन? वो तो मालूम नहीं साहब, लेकिन लगता है कि वर्षा मैम का कुछ चक्कर वक्कर है उस आदमी के साथ। अच्छा, उस आदमी को पहचान सकते हैं? इतना करीब से तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ, हर बार दोनों तीसरे माले पर ही दिखते थे। कहाँ? तीसरे माले पर? वो तीसरे माले पर। देखते हैं। जल्दी। अभिजीत, क्या हुआ? माय गॉड, क्या हुआ अभिजीत? बॉडी दया। क्या हुआ? एक मिनट आप देखो, मैं इसका लीवर घुमाता हूँ, है? संभाल के उतारना। आप पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए। ओह माय गॉड, ये तो वर्षा है। सील कर दो, और यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपकी जगह पे खड़े रहो सब लोग। चलो हटो, चलो। तो सर पे मारा किसी ने? सर पे किसी हथौड़े जैसी चीज से मारा है, भारी चीज से। बहुत बड़ा घाव है। वर्षा मैडम के यहाँ पे खून हुआ और किसी ने कुछ देखा नहीं? हमने नहीं देखा साहब। तुम तो उस आदमी को आते जाते देखते थे ना, खून करते हुए नहीं देखा उसे? हाँ, देखता था पर खून होते हुए नहीं देखा सर। खून है सर। हाँ, ये देखिए सर। सर, मैं इस खून को कलेक्ट करता हूँ सर, और इसके सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भिजवा देता हूँ। ये इन वर्कर्स का कहना है कि उन्होंने वर्षा को यहाँ पे आते जाते देखा है, चोरी छिपे किसी और से मिलते हुए। बिल्डिंग अमर का है, कहीं उसी ने तो नहीं? हाँ, ये अमर की पत्नी है,
जलन के मारे उसे पता चला होगा कि अफेयर अफेयर चल रहा है, तो मरवा दिया इसको। इस अमर के दोबारा जाके तलाश लेते हैं, बस कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। कर रखी है, किसकी हो सकती है, फटी भी है। सर हाथ आ जा। सर ये देखिए, ये तो कुर्ती है। यस सर, वर्षा के कबर्ड में मिली, काफी अंदर छुपा कर रखा था इसे। ये किसकी है कुर्ती? ये तो वर्षा मैडम की कुर्ती है। अच्छा, वर्षा मैम साहब की। देखा इस कुर्ती को, मिट्टी लगी हुई है, और ये बाजू भी देखो कैसे फटी हुई है। सर अगर वर्षा को ये कुर्ती फेंकनी होती तो वो छुपा के क्यों रखती अलमारी में? ये वर्षा मैडम ने ये कुर्ती पिछली बार कब पहनी थी, कुछ याद है? परसों रात को जब वो बाहर जा रही थी। परसों रात को? और परसों रात को ही सिद्धार्थ का खून हुआ था। कितने बजे वर्षा मैडम घर से बाहर गई थी परसों रात को? 8 बजे। 8 बजे होंगे उस वक्त। और वापस कब आई? लगभग 10:30 और 11:15 के आसपास। 8 बजे यहाँ से निकली और 10:30 11 बजे लौटी। दया, ये हिसाब बराबर बैठ रहा है। वर्षा 8 बजे परसों रात को इस घर से बाहर निकली, 9 बजे सिद्धार्थ का खून हुआ और 10:30 11 बजे वापस लौटी। और सर जो बिल्डिंग बन रही है वहां जाने के लिए यहां से करीब उतना ही टाइम लगता है। एग्जैक्टली। सर ये उंगली का निशान वर्षा की कुर्ती पर मिला था। किसका है? सर अगर कुर्ती वर्षा की है तो कुर्ती के बटन को वर्षा ने ही हाथ लगाया होगा ना, फिंगरप्रिंट्स उसी के होंगे। पर हर बार ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? ठीक है सर, अभी देख लेते हैं। सर मैच मिल गया। किसका निशान? वर्षा की कुर्ती पर सिद्धार्थ की उंगली के निशान। मतलब सर उस रात जब सिद्धार्थ की मौत हुई तो वर्षा उसके साथ में थी। कहीं इस वर्षा ने तो सिद्धार्थ का खून नहीं किया? और वर्षा तो अमर की बीवी है और सिद्धार्थ और अमर की दुश्मनी है, तो फिर ये वर्षा उस रात सिद्धार्थ के साथ कर क्या रही थी उस सुनसान जगह पर? माया भी तो वहां पे थी सर, तो उसने वर्षा को देखा कैसे? नहीं तो शायद माया को देखकर ही वर्षा कहीं पर छुप गई होगी। चलो मान लेते हैं कि वर्षा ने सिद्धार्थ को धक्का दिया, मगर वर्षा को किसने मारा? सर मैं तो कहता हूँ इस अमर ने ये सब किया है। उसने सिद्धार्थ को इसलिए मारा क्योंकि वो उसका दुश्मन था, और जैसे ही इसे पता चला कि वर्षा और सिद्धार्थ का अफेयर चल रहा है तो उसने रास्ते से हटा दिया वर्षा को। हेलो, हाँ हाँ पता चल गया किसने किया था फोन। ओहो ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। वर्षा के मोबाइल पे जो आखिरी कॉल आया था वो अमर के ऑफिस से आया था। अमर के ऑफिस से आया था? मतलब अमर के ऑफिस में से किसी ने फोन करके वर्षा को मिलने के लिए बुलाया था। ये खूनी वहीं मिलेगा सर, वहीं पे अमर के ऑफिस में। साहब आप 1 घंटे बाद आइए साहब, अभी सब लोग खाना खाने गए हैं। इतना टाइम नहीं हमारे पास, एक खून का मामला है समझे। खून? मैंने कोई खून नहीं किया साहब। हमने कब कहा तुमने खून किया? सिर्फ ये बताओ वर्षा मैडम कल रात यहाँ ऑफिस में आई थी? यहाँ पर कल रात को?
मुझे नहीं पता साहब। पता नहीं, आग बंद करके ड्यूटी करते हो क्या? उस दिन साहब ऑफिस देर रात तक खुला था साहब, और मैं बाहर चाय पीने गया था साहब। हो सकता है उसी समय आई हूँ, कह नहीं सकता साहब। मतलब ड्यूटी के वक्त तुम गायब थे, है ना? चाय पीने का मतलब ड्यूटी पर से गायब होना थोड़ी होता है साहब। एक मिनट, ये सीसीटीवी कैमरा है? जी साहब। जनता भी है? सब कुछ रिकॉर्ड करता है साहब, 24 घंटा। फिर तो कल रात को यहाँ पे कौन कौन आया होगा सब रिकॉर्ड हुआ होगा, है ना? जी साहब। इसके रिकॉर्डिंग कहाँ होते जरा दिखाओ हमें। जी, ये वही वाली सीडी है ना, कल रात वाली? जी साहब। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि पिछले महीने में क्या हुआ ये देखने लगे। वर्षा कहीं दिखाई नहीं दे रही सर। पता नहीं सर वो यहाँ पे आई भी है कि नहीं। दो फोन कॉल आए थे उसके मोबाइल पे। मगर कहीं दिखाई तो नहीं दे रही है दया। सर ये भी तो हो सकता है कि बुलाने वाले ने अपना प्लान बदल दिया हो। उसने फोन करके वर्षा को यहाँ आने के बजाय वहां बुला लिया हो जहां वो बिल्डिंग बन रही है। ये हो सकता है, हो सकता है। खुद ही ने सोचा होगा कि यहाँ उसे सब लोग देख लेंगे, तो बेहतर है कि उसे यहाँ बुलाओ ही मत। हाँ, बुलाओ भी मत और यहाँ मिलना भी मत। मिलो भी मत, मिलो भी मत। इसका मतलब है दया, खूनी शायद यही इसी ऑफिस में काम करता है, इसी ऑफिस में। और वो आदमी यहाँ से उसी वक्त भागा होगा जब वर्षा वहां बिल्डिंग में पहुंच रही होगी। सर अगर ऐसा है तो हमें यहाँ से सब बाहर जाने वाले आदमियों पे गौर करना चाहिए सर। You're right with it. पॉज करो, इसे जूम करके दिखाओ। दे, ये देख रहे हो? हाँ सर, वही देख रहा हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सारे खून इसने किए। दे, इसे भी फांसी के फंदे तक पहुंचा देते हैं। माया, 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 घर में नहीं है क्या? माया सर, हाँ, दरवाजा बंद है। माया, माया, देखिए, कुछ आवाज आ रही है यार, पानी देख से। पानी की आवाज है? ये कमरे के अंदर पानी? माया, माया दरवाजा खोलो। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। सर केरोसिन की बदबू आ रही है। दरवाजा तोड़ दो। माया नहीं, आगे मत आना। इतनी आसानी से कैसे मरने दें? खून किया है तुमने, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। क्यों है ना? अब बताओ क्यों मारा तुमने वर्षा को? क्यों मारा? उसने सिद्धार्थ का खून किया इसीलिए ना? आपको कैसे पता? हाँ या ना? हाँ, उसी ने मारा मेरे सिद्धार्थ को, उसी ने बताया मुझे। क्या तुमने मारा मेरे सिद्धार्थ को? हाँ, मैंने मारा है तुम्हारे सिद्धार्थ को। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। पागल मत बन माया,
तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने एक सांप को मार दिया है, एक सांप को। पागल, तो उसके लिए रो रही है जो तुझे भी धोखा दे रहा था और मुझे भी। उसने सगाई कर रखी थी तेरे संग और प्यार का खेल खेल रहा था मेरे साथ। छी, तुम कौन सी दूध की धुली हो? शादीशुदा होके भी प्यार का गेम नहीं खेले थी तुम? अपने पति को धोखा नहीं दे रही थी? अपने पति को धोखा, और इसी बात का फायदा उठाकर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। बेवकूफ, कहने लगा तेरे और मेरे प्यार का भांडा दुनिया के सामने फोड़ दूंगा। अमर के टेंडर्स के फाइल लाके दो, देती हूँ उसे फाइल। बता दे, सबको बता दे, ऊपर जाके सबको बता दे। अपना सर छुपाने के लिए तुमने उसे मार डाला? हाँ, कुचल दिया मैंने एक सांप का फन, कुचल दिया। सिद्धार्थ की बहुत मैं सह ना सकी, कितना प्यार करता था वो मुझसे। मैंने तभी तय कर लिया कि मैं उसकी मौत का बदला लेकर आऊंगी। क्या मिला तुम्हें बदला लेने? अब जिंदगी भर जेल में सड़ती बैठो, शायद तुम्हें फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.